जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो झारखंड हाईकोर्ट की जो वैकेंसी आई है उसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश तीन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो भाई इसका सबसे पहले बात यह है कि क्वेश्चन तो बाहर लाने नहीं दिया जाता है, क्वेश्चन को वहीं रख लिया जाता है। तो इसमें जो आपका मैथ्स है ना, इससे आपका 15 सवाल रहेगा, अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों मिला के, ठीक है। सवाल बहुत आसान नहीं रहता है, बहुत मुश्किल नहीं रहता है, जो आपका 2018-19 में जो पेपर हुआ था उसके हिसाब से। तो जिस लेवल का सवाल रहेगा ना, जिस लेवल का सवाल रहता है उसी लेवल का प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे करेंगे। लेवल थोड़ा ऊपर जाएगा, उसी लेवल का प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं मैथ का, ठीक है। और अगर आपको कोर्स की आवश्यकता है मैथ का और रीजनिंग का, तो भाई दोनों का कोर्स तैयार है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके ऐप पे देख सकते हैं। जो हमारा ऐप है फोकस स्टडी विथ अभी, प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, आप फोकस स्टडी भी तभी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा देखिए, झारखंड में जो भी एग्ज़ाम अभी तक हुआ है, या यूं कहें तो कोई भी एग्ज़ाम ठीक से हुआ ही नहीं, ठीक है। खैर, उसमें जो भी हमने कोर्स पढ़ाया, आप जाके उनका एक बार फीडबैक देख लीजिएगा, बढ़िया से आप तसल्ली कर लीजिएगा कि उस लेवल का आपको पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है, तभी जाके अगर आपको कोर्स परचेज करना होगा तो आप कीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये सारा का सारा लेक्चर आपका रिकॉर्डेड है, ये JSSC CGL का लेक्चर है, ठीक है। और इससे बाहर तो जाने का कोई चांस ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता है, इसके अंदर से ही आपका सारा का सारा सवाल सिमट के रह जाएगा। बाहर से आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस अब लेक्चर को देखते जाइए। अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप नोट्स बनाइए, इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करना है तो आप प्रैक्टिस कीजिए। बेसिकली यहाँ आपको मैथ का प्रैक्टिस सेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, ठीक है। 15 सवाल मैथ का बाहर जाने का कोई चांस नहीं है, 15 सवाल रीजनिंग का एकदम वहीं से आएगा, ठीक है। उसी सब अब देखो वही सवाल नहीं रहेगा, जो कंसेप्ट जिस तरीका से झारखंड में पूछा जाता है उसी बेस पे आपका कंटेंट बिल्कुल रेडी है, ठीक है। तो आप इसको जाके आप परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, लिंक दिया है। इसके अलावा अभी तक हम लोगों ने झारखंड के एग्ज़ाम के लिए जो भी कुछ किया है यूट्यूब पे, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ भी जाके सबका कमेंट चेक कर सकते हैं, पूरा का पूरा तसल्ली हो लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगे कि कोर्स परचेज करना चाहिए तो कीजिए, ठीक है। और आज हम लोग मैथ के वो 15 सवाल, देखिए जिस जिस टॉपिक से, जिस जिस चैप्टर से सवाल आया है उसी उसी चैप्टर को ध्यान में रखते हुए पहला लेक्चर आज का हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका ये प्रॉफिट लॉस से आया है सवाल, ठीक है, नंबर सिस्टम से आया है सवाल, तो उन्हीं उन्हीं चैप्टर से हम लोग सवाल को उठाएंगे, ताकि आपको 2018-19 का पैटर्न पता चलेगा कि हाँ इस पैटर्न पे इस तरीके का सवाल आ सकता है आगे, ठीक है। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेके आप आखिरी तक देखिएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी कुछ भी आपको कहना हो तो भाई कमेंट बॉक्स खुला है, आप लिखिए, एक दायरे में रह के लिखिए, है ना। और अगर आपको फ़ोन पे कोई भी जानकारी चाहिए तो उसका अभी नंबर दिया है, आप फ़ोन करके अभिषेक सर से बात कर सकते हैं, वो आपको डिटेल में सारा कुछ बता देंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपको शुरू से लेके आखिर तक देखना है, बहुत अच्छी पोस्ट है, अच्छा जॉब है ये, है ना। इसके बारे में आपको अभिषेक सर डिटेल में बता देंगे क्या है नहीं है, पोस्ट बहुत अच्छा है, सैलरी बहुत अच्छा है, टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, बस आपको शिद्दत से पढ़ना है। 15 सवाल आएगा आपका मैथ से, 15 सवाल आपका आएगा रीजनिंग से, और 30 सवाल आपका इंग्लिश से आएगा, ठीक है। पैटर्न बिल्कुल SSC बेस्ड है, ठीक है। तो शुरू से लेकर आखिरी तक लेक्चर को देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर मारें। पहला सवाल प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से, 3 सवाल आया था, ठीक है। तो ये पहला सवाल एकदम आसान है, टेंशन नहीं लेना है, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश में किसी को परेशानी नहीं होगा, और जो पूरा कोर्स है ना वो भी बाइलिंगुअल है, ठीक है। तो कहता है कि सवाल की ऑन अ मशीन देयर इज अ 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ RS 2,50,000, बट द मशीन इज सोल्ड एट RS 2,16,000 आफ्टर गिविंग अ कैश डिस्काउंट, ठीक है। हाउ मच इज दिस कैश डिस्काउंट इन परसेंटेज,
2.5 लाख रुपया दाम था मशीन का, 10% छोड़ दिया। 10% छोड़ने के बाद जब कैश में पैसा दिया ना, तो उसको कुछ और पैसा छोड़ दिया, कैश में कुछ और डिस्काउंट दे दिया, और फाइनली उसको 2,16,000 में बेच दिया। तो बोला कि कितना परसेंट डिस्काउंट दिया गया, निकाल लेते हैं, एकदम आसान सवाल है। तो सबसे पहले जो आपका 2,50,000 रुपया है उस पर तो 10% छूट दिया, तो भाई 2,50,000 का 10% कितना परसेंट निकालना आपको आना चाहिए तुरंत चुटकी में, ठीक है। तो 2,50,000 का 10% 25,000 हो गया, तो 2.5 लाख में 25,000 छोड़ दिया, वो डिस्काउंट दे दिया, तो भाई कितना बचा, 2,25,000 बचा, ठीक। अब 2,25,000 में मशीन को बेचना था, लेकिन इसको ना इस पे भी कैश डिस्काउंट दिया गया, और डिस्काउंट देने के बाद मशीन को 2,16,000 में बेच दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पहले तो 10% डिस्काउंट दिया, तो 10% डिस्काउंट देने के बाद वो पहुंच गया 2,25,000 पे। अब 2,25,000 पे भी इसको कैश डिस्काउंट मिला है, और 2,16,000 में मशीन को बेच दिया, तो मैं 2,25,000 से 2,16,000 रुपया में मशीन को बेचा। तो आप कहेंगे सर कि 9,000 रुपया का कैश डिस्काउंट मिला इसको, 9,000 रुपया का कैश डिस्काउंट मिला, तो हमसे कितना हजार का कैश डिस्काउंट मिला सो बात नहीं पूछा है, परसेंट में कितना मिला वो बात पूछा गया है। तो एक बात बताइए कि परसेंट 9,000 का किस पे निकालेंगे, 2,50,000 पे कि 2,25,000 पे। अब यहीं पे आप हो सकता है फंस जाए, तो भाई कितना पे 9,000 छोड़ा, 2,25,000 पे, इस पे निकालेंगे। तो भाई 2,25,000 का 9,000 कितना परसेंट है, अब आप देखिए, बहुत लोग तो इसको डिटेल में जाएंगे, जरा ध्यान से देखिए, 10% इसका 2,25,000 का 10% होता है 22,500, 1% होता है 2,250 रुपया। ये भाई 2,250 रुपया मतलब 22,500 का 4 गुना 90 नहीं होता है, मतलब 4% का डिस्काउंट मिला, 4% सीधा इसका उत्तर हो जाएगा। अब जिनको ये चीज़ नहीं समझ में आया उनके लिए थोड़ा डिटेल में जाते हैं, ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया, तो जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए देखिए, 9,000 का डिस्काउंट मिला कितना में, तो सर 2,25,000 में, कितना पे सर, 100 पे, 100% के लिए, ठीक है, कटम कुटाई चालू है, ठीक है, ये 9 से कटेगा, ठीक है। देखो ये 225 है, 25 नवा 225, मतलब 9 से कट जाएगा 25 बार में, और ये 100 निपट जाएगा 4 बार में, 4% आपका आंसर आ गया। तो इतना काम से आप बच सकते हैं अगर परसेंटेज का आपके पास थोड़ा सा बेसिक जानकारी है, जो कि हम कोर्स में भर भर के दिए हैं आपको, ठीक है। तो आप इस सवाल को देखिए, एकदम आसान सवाल है, ठीक है, इस सवाल को देखिए। कहता है कि अ रिटेलर मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 150% एंड ऑफर्स 40% डिस्काउंट, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इज 800। एकदम आसान सवाल है। एक फुटकर विक्रेता अपनी वस्तु को कम मूल्य 150% बढ़ाकर अंकित करता है और उस पर 40% का डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, ठीक है, लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है, ठीक है, मार्केट प्राइस पे दिया जाता है, जो टैग लगा होता है उस पे डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट कभी भी कॉस्ट प्राइस पे नहीं दिया जाता है, ठीक है, और 40% का डिस्काउंट ऑफर करता है। यदि वस्तु का मूल्य 800 रुपया है, कॉस्ट प्राइस 800 रुपया है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या है, बड़ा ही सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल बात है। तो भाई 800 रुपया तो उसका CP है, कितना है 800 रुपया, अब इस पर 150 रुपया बढ़ा देना है, 150% बढ़ा देना है, 150% बढ़ा देना है, तो जी बन जाएगा उसका मार्केट प्राइस या MP, ठीक है, या टैग प्राइस, जो उस पर टैग लिखा आएगा, कितना का टैग लिखा आएगा जरा ध्यान से समझिएगा। तो भाई 800 में 800 का 150% जोड़ देना है, तो 800 का 150% कितना, 1200 होगा ना, 800 का डेढ़ गुना, 800 का डेढ़ गुना 1200 होगा, 1200 और 800 मतलब जो टैग लगेगा वो 2000 का लगेगा, ठीक, 2000 का टैग लगेगा। अब 2000 पे सर आपको 40% ऑफ रखना है, तो 2000 का 40% कितना, 4 दूना 800,
800 घट जाएगा तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आएगा 1200, मतलब हम 1200 में वस्तु को बेच देंगे। सीधा सवाल था, एकदम आसान जवाब दिए, जैसा सवाल वैसा जवाब, ठीक है। 800 रुपया कॉस्ट प्राइस था, इसका 150%, तो भाई हम 150, हम ना डेढ़ गुना सोच लिए, डेढ़ गुना मतलब 150%, तो 800 का डेढ़ गुना 800 और आधा 400, 1200, तो 800 में 1200 जोड़ दिए। अब बढ़ा के, डेढ़ गुना करना नहीं है, डेढ़ गुना बढ़ा देना है, ठीक है, 1.5 टाइम्स बढ़ा देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2000। अब 2000 इस पे टैग लग गया, अब इस पे 40% का डिस्काउंट देना है, ठीक है। तो 2000 का 40%, तो 2000 का 10% 200 और उसका 4 गुना 800, 2000 में 800 किया 1200 सीधा आंसर। आप लोग जब मार्केट जाते हैं कुछ खरीदने, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कहीं भी कोई दुकान में जाते हैं, तो जो ऑफ मिलता है ना, तो जो टैग, जो आपका प्राइस टैग चिपका हुआ रहता है ना, उसी पे ऑफर मिलता है। प्राइस टैग में क्या क्या रहता है, पहले तो कॉस्ट प्राइस रहता है, जितना लागत है उसके ऊपर प्रॉफिट रहता है, फिर कितना डिस्काउंट देना है उसके हिसाब से बढ़ा के लिस्ट किया जाता है कि हम इतना डिस्काउंट देंगे तो इतना पे पहुंचेंगे, इतना हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। बात को समझे, जैसे कि आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस मेरा लागत है 100 रुपया, ठीक है। अब इस पे हमको कम से कम 20 रुपया का लाभ चाहिए, तो 120 रुपया तो मेरा अकाउंट में आना चाहिए, मेरा काउंटर में आना चाहिए, मेरे जेब में आना चाहिए। अब हम चाहते हैं ना कि इस पे हम डिस्काउंट भी दें, तो सर हम ना इसका प्राइस कर दिए 150 रुपया, ठीक है। 150 रुपया कितना बढ़ा दिए, 30 रुपया, कितना बढ़ा दिए, 30 रुपया, और हम बोले कि 150 रुपया पे ऑफर है सर, और ये ऑफर क्या है कि सर 20% आपको छूट मिलेगा, 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो कस्टमर को ना डायरेक्ट ये दिखता है कि 150 रुपया का वस्तु है, 20% छोड़ दे रहा है, 15 दुना 30 रुपया छोड़ दे रहा है, 120 रुपया हमको देना है और निकल जाना है। अब दुकानदार, भाई 100 रुपया मेरा लागत था, 20 रुपया का फायदा हुआ, इसी बेस पे चलता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल आएगा, मुश्किल है, जरा इस सवाल को ध्यान से देखिए। कहता है कि अ कंपनी ऑफर्स 4 टाइप्स ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट, विच ऑफर इज बेस्ट फॉर शॉपकीपर। एक कंपनी ना 4 तरीका का छूट देती है, दुकानदार के लिए सबसे अच्छा डिस्काउंट कौन सा होता है। तो भाई यहाँ पे जो ऑप्शन है, 30% प्लस 25%, 20% प्लस 35%, 35% प्लस 20% और 15% प्लस 40%। तो आप ना कभी भी ये मत सोचिएगा कि दोनों को जोड़ के ऑफर देगा, जैसे कि 30% प्लस 25% 55% होता है, तो 20% प्लस 35% भी 55% होता है, 35 प्लस 20 वही है, और 15 प्लस 40 वही है। तो कहेंगे सर चारों तो सेम है, चारों में तो 55% ऑफर मिल रहा है। भाई ऑफर ऐसे नहीं दिया जाता है, पहले जो भी आपका टैग प्राइस होगा उस पे देगा 30%, उसके बाद जो प्राइस जो उसके बाद जो वैल्यू बचेगा फिर उस पे देगा 25%, ऐसे दिया जाता है। सक्सेसिव, एक के बाद दूसरा देंगे, दोनों साथ में जोड़ के नहीं देंगे। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद दूसरा, ऐसा नहीं कि दोनों जोड़ देंगे। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है सीख लीजिए, कभी भी जोड़ मत दीजिएगा। जैसे कि सबको जोड़ेंगे तो 55% आ रहा है सब में, तो भाई सब तो बराबर हो गया वैसे, लेकिन गलत बात है। तरीका क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट काउंट करने का तरीका, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी डिवाइड बाय 100। इसको याद रखिएगा, फटाक से हो जाएगा। चाहे तो आप इसको 100 पे भी करके देख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ेगा, थोड़ा सा, बहुत मुश्किल नहीं, एकदम आसान है, लेकिन इससे थोड़ा कैलकुलेटिव पड़ेगा, इससे एक बार में आ जाएगा कि कितना का डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे अच्छा ऑफर वही होगा जिसमें ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो भाई चारों में कौन सा ऑफर में ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, जरा देखते हैं। पहला पे देखते हैं, तो ये ए है, ये हमारा बी है, ए है बी है, ए है बी है, ए है बी है, इस फॉर्मेट पे सजा दीजिए। तो ए प्लस बी कितना, 55 हो गया, 55% माइनस ए इंटू बी, तो 30 गुना 25 75, 750,
एक जीरो यहाँ से कट गया 7.5, मतलब यहाँ से हमको मिला 47.5% का डिस्काउंट, ठीक है। दूसरा ये हो गया आपका 55% माइनस 35 दूना 70 मतलब 7, यहाँ से मिला 48% का डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ से इससे 35 और 20 55 ये भी सेम मिलेगा 48% का डिस्काउंट सी वाला से। डी वाला से यहाँ भी होगा 55 माइनस 15 × 60 6%, यहाँ पे मिलेगा 49% का डिस्काउंट। तो देखिए सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस में मिला, डी वाला ऑप्शन में, मतलब दुकानदार कंपनी वाला को बोलेगा कि हमको इसमें इस ऑफर पे सामान दीजिए, 49% मिल रहा है, सबसे ज़्यादा मिल रहा है, समझ में। तो ऐसे निकाला जाता है, आसान है एकदम, है कि नहीं। ये ज्योमेट्री से भी सवाल आया है, तो एक अच्छा सा सवाल है, नॉर्मल सवाल है, मॉडरेट लेवल का सवाल है, सीधा थ्योरम पे बेस्ड सवाल है। कहता है कि इन द गिवन फिगर कोड्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट एल, फाइंड द लेंथ ऑफ आर एल। इस फिगर में, इस सर्कल में, इस सर्कल का दो कोड पी क्यू और आर एस एक दूसरे को एल पे इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है, काटती है, ठीक है। ये ओ इसका सेंटर दिया हुआ, सेंटर से यहाँ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पी से एल का डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर और एल से एस का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर और एल से क्यू का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। तो बोला भैया आर एल का लेंथ क्या होगा, आर से एल का डिस्टेंस क्या होगा। सीधा आपको याद रखना है, सर्कल के अंदर जब दो कोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उसका सीधा सा फॉर्मूला बनता है पी एल इंटू एल क्यू बराबर आर एल इंटू एल एस। देख लीजिए पी एल इंटू एल क्यू, इस टुकड़ा और इस टुकड़ा का गुणनफल बराबर इस टुकड़ा और इस टुकड़ा का गुणनफल, मतलब इस लाइन का भी दो टुकड़ा है, एक ऊपर एक नीचे है, इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर इस लाइन के दोनों टुकड़ों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, पी एल कितना है 9, एल क्यू कितना है 4, आर एल निकालना है इंटू एल एस कितना है 6, कटम कुटाई कर दीजिए 3 × 9 और 2 × 4 आर एल बराबर 3 × 6 सेंटीमीटर, हमारा उत्तर हो जाएगा। एकदम आसान सा सवाल है, अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है सवाल, देख लीजिए इसी टाइप का सवाल आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। लाइन का सवाल है लेकिन कंसेप्ट लगेगा, फॉर्मूला भी लगेगा। कहता है कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 800 to 2000 आर डिविजिबल बाय 13। 800 से 2000 के बीच में कितना ऐसा नंबर्स है जो 13 से डिविजिबल है, मतलब 13 के टेबल में आएगा, तो वो खोजना होगा भाई। इसका डिविजिबल है मतलब सीरीज पे होगा, 13 के गैप पे होगा वो नंबर। अब 13 का टेबल पढ़िए, 13 × 26 13 × 39 सब 13 के गैप पे होता है। तो जो भी नंबर होगा 800 से लेके 2000 के बीच, तो वो 13 के गैप पे होगा, एक सीरीज में होगा, उसी को ढूंढना है। तो इस सीरीज को आप कैसे ढूंढेंगे, आपको तरीका बताते हैं। 800 के बाद आपको पहला नंबर ढूंढना है जो कौन, जो 13 से डिविजिबल है, और 2000 से पहले पहला नंबर ढूंढना है जो 13 से डिविजिबल है। ये दो नंबर आपको ढूंढना है, ठीक है। अब ढूंढने का तरीका हम आपको बता देते हैं, तरीका क्या है। एक तो आप डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं, 801 13 से डिविजिबल है नहीं, 800 को अगर 13 से भागा देंगे, देखो सीधा सा बात है, आप इसको ऐसे समझो, 800 को अगर 13 से भागा देंगे तो 13 × 6 = 78, कितना बचा 2, कितना बचा 2। अब 0 के जगह पे अगर हम 6 लिख दें तो यहाँ पे 26 आएगा और 13 × 26 ये हमारा कट जाएगा, मतलब वो नंबर क्या बचा भाई, वो नंबर पहला नंबर क्या बना 806। अब पहला नंबर मिला तो आगे भी मिलता चला जाएगा, अब 13 के गैप पे 806 में 13 जोड़े 819, 819 में 13 जोड़े 832 और ये सीरीज चलता चला जाएगा। लेकिन हमको बहुत दूर लेके नहीं जाना है,
हमको 2000 से पहले रहना है। तो अब आप फिर 2000 को 13 से भाग दीजिएगा, हम आपको तरीका बता दे रहे हैं, ठीक है। तो अब 2000 को 13 से भाग दीजिएगा, ठीक, 13 से भाग दीजिएगा, 13 एकम 13, कितना बचा 7, 0, 70, 13 पचे 65, कितना बचा 5, कितना उतरा 0। अब 13 तियाई 39, कितना बचा 11 शेष बचा। अगर हम 2000 में 11 घटा दें तो वो 2000 से पहले, वो 2000 से जस्ट पहले वो आखिरी नंबर होगा 2000 तक में, जो 13 से भागा चला जाएगा। तो 2000 में 13 गया तो कितना बचा सर, तो 1989 बचा, कितना 1989। मतलब 800 से लेके 2000 के बीच 806, 819, 832 सब 13 के गैप लेते लेते 2089 तक जाएगा। अब जी इसका कहता है कि कितना नंबर है, तो ये कितना नंबर है गिनना होगा। कैसे गिनेंगे, तरीका फॉर्मूला है। तो भाई इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो अगर हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो इसका सम हम निकाल सकते हैं, लेकिन निकालना है एन का वैल्यू, कितना टर्म है। ए क्या बताता है, ए बताता है पहला नंबर। एन क्या बताता है, कितना टर्म होगा टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। डी क्या बताता है, इनके बीच का डिफरेंस कितना कितना का है। तो इनके बीच का 13 का डिफरेंस होगा, क्योंकि ये 13 के मल्टीपल है। अब जी सबका वैल्यू रख दीजिए। तो भाई मेरे SN, देखो लास्ट टर्म क्या है, यहाँ पे आपको लास्ट टर्म रखना है ना। तो लास्ट टर्म 1989 है, बराबर फर्स्ट टर्म क्या है 806 है, प्लस N का वैल्यू निकालना है, और कॉमन डिफरेंस कितना का है सर, 13 का है, ठीक है, 13 का है। अब ध्यान दीजिए 1989 में 806 जाएगा, तो इसमें 6 जाएगा तो यहाँ पे 83 बचेगा, और 1900 में 800 जाएगा तो 1183 बचा, बराबर इधर बचा n माइनस वन इंटू 13। अब 13 से काट दीजिए, 13 नवा 117 और 13 एकम 13, मतलब n माइनस वन का वैल्यू आया 91, तो n का वैल्यू आ जाएगा 91, ये प्लस वन 92। ऐसा 92 संख्या है 800 से लेके 2000 के बीच में, जो 13 से डिविजिबल है, मतलब 13 का मल्टीपल है। इस तरीका से निकालना होगा, ठीक है। तो पहला टर्म आप कैसे निकालेंगे और आखिरी टर्म कैसे निकालेंगे आपको बता दें, ठीक है। पहला 800 में जोड़ना है और 2000 वाला में शेष को घटा देना है, क्योंकि 2000 से पहले बोला है। बात को समझ आए, एकदम आसान सवाल है, ठीक। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से एक सवाल आया था, इसीलिए एक सवाल है। कहता है कि अ पर्सन ट्रेवल्स थ्री इक्वल डिस्टेंसेस ऑफ स्पीड्स ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर एंड 12 किलोमीटर पर आवर। इफ ही टेक्स अ टोटल ऑफ 19 एंड हाफ आवर्स देन द फाइंड द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है, तीन स्पीड से वो चलता है, तीन डिफरेंट स्पीड से, और तीन इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, और टोटल टाइम 19.5 घंटा लगता है। तो कहता है कि टोटल डिस्टेंस कितना है। तो अगर सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑप्शन का बात कर लेते हैं, तो भाई तीन बराबर दूरी है, तीन इक्वल डिस्टेंस है, उनको जोड़ के चारों ऑप्शन में से एक को एक में रखा गया है। मतलब जो नंबर होगा तीन से डिविजिबल होगा, तीन बराबर डिस्टेंस है, तीन बराबर डिस्टेंस, कोई भी तीन नंबर को जोड़ेंगे तो वो तीन से डिविजिबल होगा, तीन बराबर नंबर को जोड़ेंगे तो वो तीन से डिविजिबल होगा। तो 4, 3, 7 और 2, 9 तीन से डिविजिबल है, 6, 7 और 2, 9 तीन से डिविजिबल है, 9, 6, 15 और 1, 16 तीन से डिविजिबल नहीं है, और 6, 5, 11 और 3, 14 तीन से डिविजिबल नहीं है। मतलब सी और डी तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। अगर तुक्का लगाना होगा तो इन दोनों में से कोई एक में लगाएंगे, एलिमिनेट वाला बात हो गया, ठीक है। अब इसका बेसिक समझिए। तो भाई तीनों डिस्टेंस मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है वो हमारा एक्स किलोमीटर का है तीनों डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वलिटी क्या होता है, समय बराबर टाइम इक्वल क्या होता है, दूरी बटा चाल।
तो भाई एक्स डिस्टेंस कवर किया 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर एक्स डिस्टेंस कवर किया 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर एक्स डिस्टेंस कवर किया 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो टोटल टाइम लगा 19.5 घंटा, मतलब 39/2 आवर। ठीक है, 19.5 को 39/2 लिख दे। अब जी इसी को सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो 24, 18 और 12 का एलसीएम कितना? बोले सर 72। तो 24 3 72 3x, 18 4 72 4x, 12 6 72 6x बराबर 39/2। तो 4 6 4 10 और 3 13 13x/72 बराबर हो जाएगा 39/2। 13 से उड़ा दीजिए, 13 3 39, 2 से उड़ा दीजिए 36, और 36 3 108 किलोमीटर, मतलब 108 किलोमीटर का तीन डिस्टेंस कवर किया, 108 108 108, 324 किलोमीटर। इस प्रॉब्लम से सवाल था, ध्यान से देखिए, आसान सवाल है, वहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। कहता है कि द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:5। इफ द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 years हेंस बिकम्स 13:20, देन द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:13 है, अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है वो आपका हो गया 13:20, तो बी की वर्तमान आयु कितना है। कई तरीक़ों से ऐसे सवालों को सॉल्व किया जाता है, पहला लेक्चर है, बेसिक बता रहे हैं, समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो अपना इसको आप रेशियो मेथड से भी देख सकते हैं, भाई 13 से कितना बढ़ा, 13 से 3 से कितना हो गया 13, 10 बढ़ा, 5 से कितना हो गया 20, 15 बढ़ा। आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं। तो भाई मान लो कि ए का वर्तमान प्रेजेंट एज 3x है, और बी का जो प्रेजेंट एज है वो आपका है 5x। ठीक है, 5 साल बाद, तो भाई 5 साल बाद मतलब 5-5 साल दोनों में जोड़ देंगे, 5 साल ए के एज में और 5 साल आपका बी के एज में, और 5 साल बाद जो इनका अनुपात है वो 13:20 हो जाता है। यही जो है कैलकुलेशन बनता है, एकदम आसान है। तो भाई 20 3 60 और 13 5 65, यहाँ से आ गया 5x बराबर 20 5 100 और 13 5 65, 100 में 65 गया तो 35, तो x का वैल्यू आ गया सर 7, हमसे पूछा v की वर्तमान आयु, तो 5 × 7 35 साल का ये है, और 7 3 21 साल का ये है, ये ए का उम्र है और ये बी का उम्र है। हमसे पूछा है बी का उम्र, सी हमारा उत्तर हो जाएगा। एकदम आसान सवाल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन बहुत भारी भरकम है नहीं। ठीक है, रेशियो मेथड में थोड़ा सा तिरछा में गुना होता है तो आप उलझ सकते हैं। ठीक है, इसी जो कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे किए हैं, इसी को हम क्रॉस करके यहीं से निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या किए हैं, ध्यान से देखिए, हम लोग 20 को 3 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो भाई हम लोग यहाँ पे 20 3 60 और 13 5 65, 60 में 65 गया तो कितना आया सर 5 आया, फिर कितना साल बाद बोला है, तो सर 5 साल बाद, तो 13 5 65 और 20 5 100, तो भाई 65 में 100 में 65 गया तो 35 बचा। तो भाई 5 का वैल्यू आपका कितना है सर, 5 का वैल्यू ही ना 35 है, तो 1 का वैल्यू कितना 7 बचा। अगर 1 का वैल्यू 7 है तो भाई 5 का वैल्यू 35 और 3 का वैल्यू 21, यही ना हम लोग निकाले थे। तो भाई ये जो चीज़ आया है, जो लोग बाबा बनता है कि आपको एकदम यूनिक तरीका बताएंगे, यहीं से निकल के ना गया भाई। तो आप ऐसे तब कर पाएंगे जब आप ऐसे समझा हुआ रहेंगे। तो ये कुछ नया नहीं है, सब वही सब है, बस बताने का एक तरीका होता है कि आपको कैसे समझा पाए। तो इससे आप समझ गए, अब इससे आप इस तरीका से भी कर सकते हैं, बिना एक्स को माने क्वेश्चन में ही आपका हो जाए। एकदम आसान सवाल है, परसेंटेज से है, 2 सवाल आपका परसेंटेज से था। कहता है कि रिचा इन्वेस्ट इन
म्यूचुअल फंड अ सम ऑफ 559968 559968 विच इज 19% ऑफ हर एनुअल इनकम, व्हाट इज हर मंथली इनकम। देखो एनुअल इनकम के बारे में बताया है और मंथली इनकम के बारे में पूछा है। मंथली इनकम पूछा है निकालेंगे कैसे, जो ये पैसा है ना 559968 रुपया, रिचा जो पूरा साल में कमाती है उसका 19% है। तो भाई अगर ये 19% है, अगर ये 19% है तो सर 100% क्या होगा, 59968, ये हमारा 19% है तो ये हमारा कितना हो जाएगा गुरुदेव, 100%। तो ये जो इनकम आएगा ना पूरा एक साल का आएगा, फिर उस इनकम को 12 से डिवाइड करेंगे तो एक महीने का आएगा। तो जरा इसको एक बार कटम कुटाई कर दीजिए, तो 19 दुना 38 उसके बाद 19 दुना 38 12 5 17 17 पर 9 189, 19 नवा 171 बच गया आपका, 89 में 71 गया तो भैया बच गया आपका 8, 8 ही बचा ना। हाँ तो 19 चौके 76 7 बार में 6 बार में 19 सत्ते 133 और फिर 19 दुना 38 ये जो पैसा आया ये उसका एक साल का इनकम है, ठीक है 29,47,200। अब हमें महीना का इनकम निकालना है, ठीक है। तो अगर ये 29 लाख है इसको 12 से भागा देना है, भाई भागा भी मत दो, ये 29 लाख है तो 12 दुना 24 2 लाख कुछ आएगा, ये 4 लाख है, ये 1 लाख है, ये 3 लाख है, ये 2 लाख है, भागा देना जरूरी नहीं, ऑप्शन भी तो अपने सामने होता है, बस यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल था 19 से भाग देने में, और कोई तरीका नहीं था, भाग आपको देना ही होगा, ठीक है। कैलकुलेशन है तो है, कैलकुलेशन कैलकुलेशन है, इसमें आप शॉर्टकट नहीं लगा सकते हैं, शॉर्टकट आप वहाँ लगा सकते हैं जहाँ पे खास तरीके के सवाल को डिजाइन किया जाता है, जहाँ पे अप्लाई होगा, और ज़रूरी नहीं है कि वो सवाल एग्जाम में आता है, एग्जामिनर अपने हिसाब से। अब यहाँ पे दे तो दिया डाटा 559968 को 19 से भागा देना है, दीजिए भाग, तो 19 दुना 38 आप ऐसे ऐसे भी भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिनको 19 का टेबल याद है वो डायरेक्टली दे सकते हैं भाग, कोई भी समस्या नहीं है। तो दो ये आ गया 29,47,200 रुपया, ये पूरा महीने का इनकम है, तो ये साल का इनकम है तो 29 लाख है, 24 लाख से ज़्यादा है, तो सर महीने का इनकम कितना होगा, 12 दुना 24 2 लाख से ज़्यादा, 3 लाख भी नहीं 2 लाख से ज़्यादा। अब ऑप्शन में हमको दिख गया एक ही ऑप्शन है 2,45,000, बाकी तो एग्जाम में आया हुआ सवाल, अपने से हमको ऑप्शन सेट करने का कोई शौक नहीं है। अगर चारों ऑप्शन में 2 लाख के आसपास रहता तब इसको भाग देना ही पड़ता, कोई ऑप्शन नहीं था, दिख गया तो ठीक, नहीं तो 12 से भाग कर देंगे, कर दीजिए, बहुत लोग 2 से काटना स्टार्ट करते हैं, काटिए कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो थोड़ा आपको ना टेबल पे कमांड। फेवरेट सवाल है, कोई भी एग्जाम हो अगर मैथ में सवाल वहाँ से पूछा जाता है तो ये वाला सवाल, इस टाइप का सवाल जरूर डालता है परसेंटेज से, ठीक है। कहता है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज बाय 30% इन द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज बाय 15% इन द नेक्स्ट ईयर, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 11,050 देन द पॉपुलेशन 2 ईयर अगो वाज। पहला साल 30% लोग बढ़े, दूसरा साल 15% घट गया, तो जी 2 साल पहले कितना आबादी था, एकदम आसान है, बेसिक है इसका, तो जी 2 साल पहले X लोग था, ठीक है, तो जी पहला साल 30% बढ़ा तो 130 हो गया, दूसरा साल 15% घटा तो भैया 85 हो गया, और जब ये फाइनल देखा तो 11,050 लोग था। कटम कुटाई चालू है, कर दीजिए, तो सर 0 को 0
निपटा दीजिए और 13 से इसको काटिए डायरेक्ट, 13 8 104 6 13 25 65 850। तो सर 85 से 85 आपका निपट गया ना, तो यहाँ 10 पे 1 पे 1 2 3 4 0, 10,000 लोग थे और क्या, यही एक्स का वैल्यू है, किधर है, 10,000 लोग थे। ठीक है, ये ऑप्शन तो होता नहीं, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नॉट, अब इन दोनों ऑप्शन में खेलना था। ठीक है, नहीं तो नन ऑफ दीज भी जा सकता था, अगर इस ऑप्शन को भी छेड़ देता तो तब मेरा ऑप्शन नन ऑफ दीज जाता। मान लीजिए कि यहाँ पे हम 6 लगा देते हैं या कुछ भी 10,000 से बढ़ा देते या घटा देते, तब हमारा आंसर चला जाता नन ऑफ दीज। लेकिन यहाँ पे है तब मेरा ऑप्शन 10,000 है। रेशियो से, और ये सवाल है आपका शर्ट्स और इंडिसेट्स, मतलब सिंप्लीफिकेशन से दो सवाल है और एक सवाल आपका रेशियो से है। तो भाई इसको देखिए, कहता है कि फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ, चौथा अनुपात आपसे पूछा है 4, 9 और 12 का, कैसे निकालते हैं फोर्थ प्रपोर्शन, समझ लीजिए। इसको ऐसे लिखिए 4:9 समानुपात लगाइए 12 और चौथा वाला को x मान लीजिए। अब ये सिंपल है, ये क्या हो गया 4/9 बराबर 12/x, कटम कुटाई कर दीजिए 4 3 12, x बराबर 9 3 27, आपका क्या हो गया आंसर हो गया, सीधा सा सवाल है। ठीक है, फोर्थ प्रपोर्शन ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें भी लोग टेक्निक घुसा देता है, तिरछा तिरछी, मत फंसो, सीधा कंसेप्ट को जानो, आंसर आ जाएगा, कौन सा बड़ा कैलकुलेशन है इसमें। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, रूट अंडर 47 और रूट अंडर 148 और रूट अंडर 147। तो सबसे पहले ना रूट वाला का मामला क्लियर कर लो। ठीक है, दोनों को सेम, दोनों का एक एक फैक्टर सेम रखना होगा तभी इस टाइप का आंसर आएगा। ठीक है, तो हम 48 को क्या लिख सकते हैं, 16 3 48, 147 को, तो सर 147 को तो हम 21×7 लिख सकते हैं, उसी को थोड़ा सा हम देखें तो 49×3 भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ से 48 को हम 16×3 और 16 से 4 बाहर आएगा, ये हो जाएगा 7×28 √3 प्लस यहाँ से 49×3 √49 से 7 बाहर आएगा, तो 7×49 √3। अब जी दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 और 9 17 4 2 6 77 √3 आपका आंसर आ गया, किधर है 77 √3 लास्ट में है। अब ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक आपका सीरीज दिया हुआ है 2 7 12 17, पूछा है कि 137 इस सीरीज में कौन सा नंबर पे आएगा। जैसे कि पहला नंबर पे 2 है, दूसरा पे 7 है, तीसरा पे 12 है, चौथा पे 17 है, और इसी तरीका से आगे 137 कौन से नंबर पे आएगा। तो भाई सीधा फॉर्मूला इसका लगाना है। तो भाई nth टर्म बराबर क्या होता है, nth टर्म बराबर बराबर होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस पे बेस्ड एक आपको सवाल भी आज बताए। ठीक है, 13 का डिविजिबल वाला। तो अब भाई अब जो टर्म है एनवा टर्म 137 है, मान लिए 137 है, ए क्या है पहला टर्म 2 है, एन इसी को तो निकालना है। ठीक है, और डी हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस, इस सीरीज में कितना का डिफरेंस है, 2 से 7 गया 5 का, 7 से 12 गया 5 का, 12 से 17 गया 5 का, ख़त्म कहानी। तो 137 में 2 गया 135 बराबर एन माइनस वन इंटू 5, निपटा दीजिए 5 से 5×10 5×7 35, एन माइनस वन का वैल्यू 27 है, तो एन बराबर 27 और 1 28, मतलब 28वें नंबर पोजीशन पे 137 आएगा, यही आपका आंसर है। अगर ये चीज़ को नहीं मालूम है तो फिर पूरा लिखना पड़ेगा, तब जाके 5-5 के गैप पे लिखेंगे तब जाके 28वां नंबर पे आपको 137 दिखेगा। ठीक है, तो ये था आपका सारा का सारा सवाल, जिस तरीका से पूछा गया था वही उसी टाइप का सवाल था, वही सवाल नहीं था, उसी उसी चैप्टर से था, वही वही टॉपिक से था।
बाकी बात देखते हैं आपका इसमें फीडबैक क्या है, कैसा है, उसके बाद आगे का प्लान बनाया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।